संबल पुलिस द्वारा नाबालिग पर झूठा मुकदमा दर्ज करने के आरोप में महिलाओं तथा बच्चों ने किया थाने का घेराव। भगवान कृष्ण की मूर्तियों को थाने में लाकर SHO की टेबल पर रखकर लगाई न्याय की गुहार। मामला जनपद संबल के चंदोसी कोतवाली का है, जब दिनांक 21/12/2021 को देर रात कुछ व्यक्तियों ने गोली मार दी और वो गोली लगने से घायल हो गया। इसी संबंध में आज थाने में सैकड़ों लोगों की भीड़ में महिलाएं बच्चे हाथों में शांति मार्च का होर्डिंग तक थी। भगवान कृष्ण को अपने बालक समान गोद में लेकर रोते रोते पूरे शहर में शांति मार्च निकालते हुए थाने पहुंचे और भगवान कृष्ण की मूर्तियों को SHO के टेबल पर रखकर अपने साथ न्याय की गुहार लगाई। थाने पर पहुंचे CO गोपाल सिंह ने पीड़ितों के साथ न्याय करने का हवाला देते हुए समझाया और इस संबंध की घटना की विवेचना किसी अन्य थाने से कराने की बात कही। हमारे बच्चे को जबरदस्ती झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। बच्चा हमारा 14 साल का घर में ही था, लेकिन इंटेंशली उसका नाम जो है वो डाला है, जबरदस्ती डाला है। बोले हम बड़े अच्छे व्यवसायी हैं तो कुछ ना कुछ जो है बोले इन पर मुकदमा डाल के कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चा हमारे बहुत डरे हुए हैं। वो 3 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ, सोच समझ के सब प्लानिंग के तहत मुकदमा दर्ज हुआ कि किन के खिलाफ होना चाहिए। सूर्य गुप्ता टाटन जिसका नाम, वो 14 साल का नाबालिग बच्चा है जिसका नाम जबरदस्ती उसमें और घुसेड़ा है, और बच्चे तो सभी नाबालिग हैं। हमारे तो परिवार का किसी का कोई भी आपराधिक वो नहीं है। जिसने ये डाला हम तो उसके बारे में जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं कौन है, हमें क्या पता। रंजीशन क्या है क्या नहीं है वो जाने, हमें, हम तो व्यापारी आदमी, हम तो अपने सुबह आते हैं रात को आते हैं। ये तो सब चीजें भाई साहब चलती रहती है, तो बाद में पता चल रही है कि ये तो आप मीडिया वाले हैं, आप सब कुछ जानते हैं क्या होना है क्या नहीं होना है। सर दिनांक 21/12/21 को एक मुकदमा की तहरीर आई थी जो क्राइम नंबर 584 पे अंकित की गई, जिसमें धारा 34, 307, 323, 504, 506 अंकित की गई और जिसमें 3 लोगों के खिलाफ नेम्ड FIR की जो विकास कुमार द्वारा दी गई थी, उसमें जो है आशु अंकुश भाषणे और जॉन्टी और सूर्य टनाकर इन लोगों के खिलाफ दी गई थी। अब ये लोग कह रहे थे कि हम लोग निर्दोष हैं, निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, वो संतुष्ट होकर अपने वापस ऐसा अगर वो चाहेंगे तो विवेचना को जहाँ भी चाहेंगे वहाँ स्थानांतरित हो जाएगी।